वेलकम टू अमकर मंटर। उल्लू की वेटिंग सीरीज चरम सुख और सबसे ज़्यादा हिट रहने वाली चरम सुख जाने अनजाने के तीनों सीजन्स जो काफ़ी हिट रह चुके हैं और शायद आने वाले टाइम में हिट रहेंगे। लेकिन अब बात करते हैं फिलहाल चरम सुख जाने अनजाने के सीज़न 3 के पार्ट 2 के बारे में। सीज़न 3 के पार्ट 1 को पब्लिक ने काफ़ी पसंद किया क्योंकि लोगों को लग नहीं रहा था कि स्टोरी कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी, लेकिन उल्लू वालों ने निकली और कामयाबी हो गई। लेकिन अब पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं। चरम सुख जाने अनजाने सीजन 3 के पार्ट 2 का जो ट्रेलर है वो अभी हाल ही फिलहाल में आधे घंटे पहले रिलीज़ हो चुका है। उल्लू के हर प्लेटफॉर्म पर वो अवेलेबल हो चुका है और मैंने उसका ट्रेलर देख लिया, तो मैं उसका थोड़ा सा रिव्यू करने वाला हूँ ट्रेलर का। बाकी जब मैं फुल सीरीज़ को देखूंगा तो उसका रिव्यू मैं आपके सामने कर ही दूंगा जब फुल सीरीज़ अपलोड हो जाएगी तब। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सीज़न 1 की कहानी को रिपीट किया गया है, जहाँ पर जो ठर की ससुर है उसने चांदनी को भी ऐसा ही छोड़ा था जो उसने किया था, मतलब मैरिज करने के बहाने उसको उसके मन को उसके इमोशंस को उसने देख लिया और उस इमोशन की वजह से उसके साथ उसने रंगरेलिया मनाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो चांदनी की जो बहन है वो ऐसा नहीं करने वाली, वो अपने इमोशंस को नहीं खोने वाली। वो यहाँ पर ये ठर की ससुर यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है कि जो वो कहता है कि तुम मेरी मालिश कर दो पैर की, तो वो वहाँ पर मालिश भी कर देती है। और जब कहता है कि अब मेरा जो सामान है वो अब खड़ा हो चुका है तुम्हारे बदन को देखकर, सो यहाँ पर जो चांदनी की बहन है वो ना कर देती है। ना करने के बाद जो ठर के ससुर है वो कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को बदल दूंगा अगर तुमने मेरे साथ नहीं किया तो। और चांदनी और उस बिचारी को ये भी नहीं पता था कि ये जो ठर के ससुर है इसने तो चांदनी को पहले ही करके रखा हुआ है। ये इसे इस बात का बिल्कुल भी भनक नहीं थी और इस बेचारी को अब उसके साथ ठर के ससुर के साथ वो रंगरेलिया मनानी पड़ रही है। लेकिन ये बेचारी किस वजह से फंसी ये भी आप जान लीजिए। अब ये दोनों मतलब इनकी बात तो साइड में रखते हैं, लेकिन इसकी और जो रवि है जो चांदने का पति, उसकी रंगरेलियाँ इस ठर की ससुर ने देख लेती, इसलिए तो वो उसे ब्लैकमेल करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा था। और अब सीज़न 3 के एंड में, सीज़न 3 के पार्ट 2 के एंड में कहानी को किस तरीके से एंड किया जाएगा ये भी काफ़ी हिट है, मतलब वो भी मुझे पता है। क्योंकि आई थिंक मेरे हिसाब से सीज़न 3 के पार्ट 2 की जो एंडिंग है, मतलब सीज़न 3 को किस तरीके से एंड किया जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। शायद यहाँ पर जो ठर की ससुर है वो उस लड़की के साथ बेचारी के साथ सेक्स करते करते इसका सीज़न 2 ख़त्म कर देंगे और सीज़न 3 ख़त्म कर देंगे और सीज़न 4 के बारे में ये सोचेंगे, क्योंकि आई थिंक सीज़न 4 भी आएगा। लेकिन जब आएगा तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सो ये था ट्रेलर का वीडियो। एक बार सीरीज़ फुल अपलोड हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपके लिए सीज़न 3 के पार्ट 2 का फुल रिव्यू लेकर आऊँगा। बाकी इस वीडियो में कुछ भी अच्छे लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हम यूट्यूब चैनल ओमकार मंटर को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको इसके ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।